मेरा शॉट ला, शॉट ला राजू। खबर सोनपुर से है, जहां सुबह सुबह मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह सोनपुर मेला पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले टेंट में अपने घोड़ा को देखा। उसके बाद सोनपुर मेला में वाराणसी से पहुंचे 2 करोड़ के भैंसे को देखा। हालांकि अनंत सिंह भैंसे को खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैंसा उनके लायक नहीं है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि लंबे समय के बाद मेला आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। वहीं भैंसे को शराब नहीं मिलने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि जिसको पीना होगा वह किसी तरह पी लेगा। बता दें कि सोनपुर मेला में अनंत सिंह के पहुंचने की खबर मिलते ही लोगों के साथ साथ मीडिया कर्मियों की भीड़ लग गई, जिस कारण कुछ देर रुकने के बाद अनंत सिंह अपने दोनों बेटों के साथ पटना लौट गए। अपना बताइए ना, किस तरह की याद है मेला को लेकर आपको, कहाँ से आ रहे हैं आप? जैसे देख रहे हैं उसे है, कुछ बदलाव आपको दिखा? बदलाव तो बताया कि पुल बन गया था, लोग घर जा चाहते हैं पटना, ऐसे लोग मेला में रहते थे 15 दिन, कोई बदलाव इस बार आप मेले में क्या लेकर आए हैं? घोड़ा। क्या घोड़े के बारे में थोड़ा बताइए अपना। क्या बता रहे हैं, घोड़ा जाकर देखो, बताने क्या चीज। रेस बंद है यहाँ पे, आप घोड़े के शौकीन है यहाँ पे, रेस नहीं हो रहा लंबे समय, क्या कहना चाहेंगे सबको? अगर आपको इंटरेस्ट लेके हम नहीं देखे, इंटरेस्ट लेके रेस करवा दिए, लेकिन फिर हम जेल जाकर बैठा गए तो इंटरेस्ट नहीं है। अब रेस होता है कि नहीं होता वो नहीं जानते। बंद है, बहुत दिनों से बंद है। हाँ तो चालू तो करा सरकार से कहे पड़ेगा, सिपाही से चालू नहीं होगा। थिएटर भी बंद है, लोग मेला का शान रहा है यहाँ थिएटर सोनपुर मेले का, लेकिन उसको भी लाइट नहीं मिला, वो भी बंद है। कोई सब नहीं जान रहे हैं, हम मेला देखने आए, घोड़ा देखे घर चले। दो करोड़ का भैंसा है, शराब नहीं मिल रहा है, खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, हमारा लायक नहीं है। वो शराब पीता है बिहार में, शराब बंद है, जानवर को भी मुश्किल होना, परेशानी हो रहा है। भाई नॉट पीता हो पी लेगा। Yes.